खंडवा के प्रसिद्ध अपना गोकुल स्वीट्स भोजनालय ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए ऑर्डर पर एक घंटे में खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, जनता थाली, फुल थाली, स्पेशल थाली और डिलक्स थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, गुलाब जामुन, मलाई कोफ्ता और कई प्रकार की मिठाइयां, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। तो देर किस बात की, अभी फोन कीजिए 9039596744 07। वहाँ पर वो मोटर स्टैंड पर ये जैन साहब या अनुसा सिंह मैडम और कुछ मेरा एक मित्र मिल गए थे पुराने हवलदार, उनका नाम था बैजनाथ पारा सर जी, उन्होंने मुझे पहचान लिया सर क्या। तो मुझे तो लावर से के वहाँ पर घूम रहा था मैं, सभी कुछ होते हुए मतलब मैं पुलिस में भी मतलब था, तो मैंने मतलब लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर होने की वजह से मुझे निकाला था, कोई लांछन नहीं लगा था। मेरी माँ बीमार हो गई थी तो उनके इलाज के लिए मुझे समय लगा थोड़ा क्या। एस पी साहब ने मुझे बोला बार बार कि भाई आपको 2 महीने का समय दिया जाता है। मैंने बोला मुझे नहीं करना क्या, जिस माता ने मुझे पैदा किया अगर मैं उनकी सेवा नहीं कर सका अंतिम समय में तो मेरा जीवन बेकार है। मुझे अगर ये सिंह मैडम और ये जैन साहब और इन लोगों के साथ इतना अच्छा सहयोग मिला, उन्हीं की वजह से आज मुझे ऐसा लगा मुझे नया जीवन मिला है और मैं अब ये वृद्धाश्रम छोड़कर कहीं जाऊँगा नहीं सर। अगर इन्हीं के सौजन्य से मुझे कोई मेहनत का कार्य भी अगर मिला तो मैं वो भी करूँगा, ताकि 2-4 रुपए अगर जैसे बच भी जाए तो मैं, ईश्वर ने भी मुझे हाथों में शक्ति दी है कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। परिवार के लोगों ने आप संपर्क करने की कोशिश? परिवार से सर मैं इस जन्म में कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि सभी ने मुझे बिल्कुल रहने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए थे। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि उन लोगों से मतलब मैं कभी मतलब वो मुझे मतलब मेरे संबंध बने कुछ नहीं, बस ये वृद्धाश्रम ही समझो मैं यहीं पर रहना मतलब रहूँगा। जैसा भी मुझे साहब लोग जो भी मेरे मित्र लोग जो भी मतलब रास्ता बताएंगे मैं उसी पे चलूंगा सर, किसी को मेरे से कोई शिकायत भी नहीं होगी कि मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, कर ही रहूंगा सर। मतलब हम तो बूढ़े हो गए, अपने बच्चे के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहेंगे? भाई उनके कर्म उनके सर, सर क्या उन्होंने जो किया वो उनके काम थे क्या, भाई उन्होंने उनका कर्तव्य अदा करा, मैं अपना कर्तव्य अदा कर रहा हूँ। पर कुछ काम मिल जाए या मुझे वृद्धाश्रम भेज दे ताकि मैं अपना बाकी जीवन व्यतीत कर सकूँ। समाज सेवी सुनील जैन एवं दादाजी वृद्धाश्रम की अनिता सिंह ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन से वृद्धाश्रम भेजने के आदेश करवाए। इसके पूर्व श्री ठाकुर का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ कोरोना का सैंपल भी करवाया गया था, जिसमें वे नेगेटिव पाए गए। गुरुवार को शाम 4 बजे श्री ठाकुर MN के क्वारंटाइन क्षेत्र से रामनगर स्थित दादाजी वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां सुनील जैन एवं अनिता सिंह के साथ वृद्धाश्रम में रह रहे
14 महिला पुरुषों ने थाली जान बजाकर पुष्पवर्षा करते हुए अपने नए साथी का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि श्री जैन व अनिता दीदी के सहयोग से मैं अपने नए परिवार में आ गया हूँ। अब यही मेरा परिवार है, यही मैं अपना बाकी जीवन व्यतीत करूँगा तथा मुझसे जो भी कार्य बन सकेगा मैं करूँगा।